पीछे अब भीड़ देख रहे हैं ना, एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही रैंडम जा रहे थे, इस जगह पे भीड़ दिखी तो सोचा क्या है जरा देखते आइए, तो ना पकौड़ी बेच रहे हैं, ठीक है पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा, बड़ी साधारण चीज़ है, लेकिन एक चीज़ बड़ा यूनिक लगा, बता रहा कि अंडा पकौड़ा बेच रहे हैं, और अंडे का पकौड़ा पटना में अभी तक मुझे तो नहीं दिखा है। देखने में पता चला कि अंडे को स्लाइस करते हैं, बीच में आलू भरते हैं, बेसन लगाते हैं और फ्राई करके दे रहे, तो सोचा चलो आज इसकी वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। एकदम रैंडम सी रोड के किनारे छोटा सा एक ठेला है, लेकिन स्वाद बढ़िया है। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंडा पकौड़ा पटना में। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। डायलॉग में भूल गया अंडा के चक्कर में। आइए चलिए, लोकेशन की बात करें तो हम जो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये अटल पथ है और ये उसका सर्विस लेन है महेश नगर की तरफ। आपको रोड नंबर 9 और 10 के बीच में ही ये छोटा सा कार्ट दिख जाएगा। शाम को लगता है ये अशोक कचरी शॉप और भीड़ यहाँ पे काफ़ी लगी रहती है। आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं और अपनी बारी के इंतज़ार में। यहाँ पे ब्रेड बनता है दाल के कचरी और प्याजी और आलू चॉप। अच्छा, अंडा पकौड़ा। अंडा पकौड़ा क्या रेट रखे जरा ये बता दीजिए। 10 रुपये ब्रेड है। हाँ, प्याज वाला। प्याज वाला 7 रुपये है। और कचरी। कचरी 10 के 10 है। अरे 1 रुपये का एक पीस है। हाँ अच्छा। और आलू चॉप 6 रुपये है। आलू चॉप 6 रुपये और अंडा वाला 12 रुपये। अंडा 12 रुपये। कितने बजे से कितने बजे लगाते हैं, समय बता दीजिए। हम 4 बजे से लगाते हैं, 8:30 बजे तक। 4 बजे से 8:30 बजे। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़ा फ्राई किया जा रहा है और इस जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉयल्ड एग्स हैं और इसे बीच से कट किया जाएगा, अंदर में आलू भरा जाएगा, ठीक है, और फिर इसे बेसन के बैटर में लगा के फ्राई कर दिया जाता है। वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ये अंडा पकौड़ा। और यही एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि थोड़ा यूनिक है, टेस्ट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। साथ में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्याज वाला हो गया प्याजी, ये हो गया अपना आलू का आलू चॉप, और यहाँ ब्रेड पकौड़ा खाली है जो कि यहाँ कढ़ाई में बन रहा है, गर्मा गर्म निकल रहा है, और ये हो गए छोटे छोटे कचरी जो 1 रुपये में एक आती है। तो आइए भैया से लेते हैं कुछ चीज़ें और ट्राई करके आपको बताते हैं। दुकान का नाम आपके सामने है अशोक कचरी शॉप और ये है अटल पथ के पास। ये गाइस यहाँ पे बन रही है कचरी और ये दाल से बनती है भैया ये। हाँ, दाल के फुला करके पीस करके। अच्छा, दाल को फुला कर भैया कुछ मसाले मिर्ची उर्ची डाली हुई है आपने इसमें। और ये बहुत तरह का लगता है। अच्छा, बहुत तरह का। 1 रुपये में एक पीस देते हैं ना ये। हाँ, जरा एक बार एक साइज दिखा दीजिएगा हाथ में लेके। भैया का हाथ बहुत ही फास्ट है, ये देखिए इस साइज का, और एकदम नपा तुला है, मतलब हर एक उनका साइज एक जैसा जा रहा है। ये देखिए गाइस, और फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ पर। आलू चॉप। आलू चॉप। ब्रेड यहाँ पे देखिए गाइस, हमने पहले ब्रेड पकौड़ा ले लिया है। ब्रेड पकौड़े का साइज़ देखिए मोटा सा है, अंदर में आलू की फिलिंग स्टफिंग दी गई है, और ये जो चटनी आप देख रहे हैं एक सरसों की है और एक धनिया की चटनी है। आइए ज़रा ब्रेड पकौड़े को तोड़कर चटनी में पहले डिप करते हैं, अच्छी तरह से चटनी में डिप किया जाए, और आइए अब इसका टेस्ट लेकर आपको बताते हैं। ब्रेड पकौड़ा मुझे एक चीज़ बड़ा पसंद आता है, बहुत अच्छी लगती है, कि अगर जो बेसन है ना वो मतलब फूल जाता है अगर, और जो एकदम क्रिस्पी हो जाता है ब्रेड के अंदर, ऊपर से लेयर पकड़ लेता है तो एकदम फ्लफी, क्या कैसे बताऊँ आपको मैं, गद्देदार जैसा हो जाता है ऐसा। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया है। तो इससे क्या है ना कि आपका जो जूस ये है चटनी है इसको इतने अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है
कि टेस्ट दुगना हो जाएगा। आलू में इनके बहुत टेस्ट है, आलू और चटनी बढ़िया है। तो ब्रेड पकौड़ा और रेट सिर्फ बहुत रीजनेबल है, भैया ने आपको बताया सारे रेट्स बहुत रीजनेबल है। तो इसे ख़त्म करते हैं और जो अंडा पकौड़ा है जिसके लिए मैं आपको पहले बता रहा था उसको ट्राई करते हैं। एक अंडे का पकौड़ा ले लिया, मिर्ची डाली गई उसके अंदर और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, नमक के साथ चटनी ले गई, चटनी बहुत ही बढ़िया, चटनी में बहुत दम है इनके, बहुत ज़बरदस्त चटनी है इनकी। तो ये चटनी हर आइटम के साथ आपको दी जाती है ना, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा अंडा पकौड़ा। आइए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये। तो आइए गाइस अंडा पकौड़ा ट्राई करते हैं। इनफैक्ट इन मतलब मैंने पहले तो ट्राई कर लिया है, जरा इसको देखिए बीच से ऊपर से आप देख रहे हैं ये बेसन की कोटिंग है और यहाँ पर बीच में आपको आलू, अंडा और चटनी दिख रही है और ये है गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म ये अंडा पकौड़ा बहुत यूनिक लगा मुझे, अभी तक तो कहीं मिला नहीं। आपको अगर मिला हो कहीं या आपको मालूम हो कहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, उसको भी कवर करके देखेंगे। फिलहाल ये टेस्ट कर बता दें, बहुत गर्म है, बहुत गर्म। देखिए अंडे का तो वैसा कोई फ्लेवर नहीं होगा, मतलब जो अंडा का फ्लेवर हुआ है आलू में फ्लेवर है। अदरक डाला गया है, मसाले हैं, तीखा है और चटनी इनकी अच्छी है, चटनी लाजवाब है। तो ये सब चीज़ें जो मिल के आपको टेस्ट दे रही हैं, ये देखिए अंडे पे कुछ नहीं डाला गया है, बिल्कुल प्लेन है, आलू, एग्स और ये चटनी। तो जो असली खेल है ना वो चटनी और आलू का है, ऊपर से जो कोटिंग है वो भी बहुत हल्की है, बेसन कोटिंग है। अच्छा गाइस एक और चीज़ बहुत अच्छी है इनके, देखो पत्तल के प्लेट में इस तरह से दे रहे हैं, वो थर्मोकोल वाला हिसाब किताब नहीं है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 12 रुपये में ना एक दमदार चीज़ है, शाम को खाइए मज़ा आएगा आपको। जी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, होप आपको मज़ा आया होगा। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। हमने बहुत से छोटे से इस कार्ट को एक्सप्लोर किया है क्योंकि चीज़ बढ़िया मिल रही थी। अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाइएगा खाते रहिए जनाब।